तो दोस्तों कई बार आप भी इस तरह के सेंटेंसेस बोलते हैं, जैसे कि वहाँ जाने से कुछ नहीं होगा, या फिर उसके बोलने से कुछ नहीं होगा, या फिर इन पैसों से कुछ नहीं होगा। तो इस तरह के सेंटेंसेस को हिंदी से इंग्लिश में किस तरह से ट्रांसलेट करते हैं, तो चलिए इस वीडियो में जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में। तो देखिए, इसके स्ट्रक्चर में आपको यूज़ करना है सबसे पहले नथिंग विल हैपन। नथिंग विल हैपन का मतलब है कुछ नहीं होगा। उसके बाद आपका जो सेंटेंस है उसे आपको लिख देना है। तो चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। उससे पहले, यदि अभी तक आपने हमारी बुक और हमारे ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए, इसमें पहला एग्जाम्पल क्या होगा, वहाँ जाने से कुछ नहीं होगा। तो इसकी इंग्लिश बनेगी नथिंग विल हैपन इफ यू गो देयर। तो इस तरह से आप इसे बनाएंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, इन पैसों से कुछ नहीं होगा। इसकी इंग्लिश देखिए क्या होगी, नथिंग विल हैपन विद दिस मनी, यानी कि इन पैसों से कुछ नहीं होगा। तो इस तरह से आप इन्हें ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं आपको एक सेंटेंस देता हूँ, तुम्हारे बोलने से कुछ नहीं होगा। तो इसको आपको ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। तो वीडियो आपको कैसी लगी है जरूर बताइएगा। थैंक यू।